दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आइए दोस्तों, आज हम आपको मीरानशाह शुमाली वजीरिस्तान की सैर करवाते हैं। हम पेशावर में खाना खा चुके हैं और अब बनू पेशावर रोड के ज़रिए हम आपको मीरानशाह लेके जाएंगे। ये कोहाट टनल है जो जापान की तरफ से पाकिस्तानी आवाम के लिए तोहफा है। अच्छा दोस्तों, तो ये लाची के इलाके में एक होटल है जिसकी चाय बहुत मज़ेदार है। हम यहाँ चाय पी के तो इंशाल्लाह अपने मंजिल की तरफ सफ़र शुरू कर देंगे। मीरानशाह जाते हुए पहाड़ों और खूबसूरत नज़ारों से हम लुत्फ़अंदोज होते रहे। हम अभी करक के इलाके में हैं। आपको जो सफ़ेदी इस वक्त नज़र आ रही है ये दरअसल नमक है और यहाँ पर नमक की खासी दुकानें मौजूद हैं। ज़िला करक के बाद डोमेल का इलाका शुरू हो जाता है। डोमेल के बाद बन्नू का इलाका आता है और उसके बाद शुमाली वजीरिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है। शुमाली वजीरिस्तान दाखिल होते ही ये बोर्ड आपके सामने आएगा। इस बोर्ड में मास्को और काबुल को फासले के साथ बताया गया है। हम शुमाली वजीरिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और आगे हम इंशाल्लाह मीरानशाह की तरफ जाएंगे। हम इस वक्त मीरानशाह में हैं। ये जो पुल आपको नजर आ रहा है इसको चश्मा पुल कहते हैं। आप हमारे साथ रहिए, हम आपको मीरानशाह गांव भी दिखाते हैं। मीरानशाह गांव यहां से शुरू हो जाता है। ये जो आपको बड़े बड़े घर नजर आ रहे हैं दरअसल इसे कोट कहते हैं। गांव में आबादी बढ़ने की वजह से कुछ खानदानों ने बाहर जमीनों में अपने लिए कोट बनाए। कोट की चार दीवारों के अंदर एक ही खानदान के लोगों ने अपने अपने घर बनाए होते हैं। इस वक्त हम मीरानशाह कले यानी पुराने गांव में इंटर हो रहे हैं, तो आप पुराने और कच्चे मकान देख सकते हैं। ये मीरानशाह कले का छोटा सा बाजार है। हम अभी पहुंचे हैं तो ये हमारा अपना हुजरा है। पुराने गांव मीरानशाह के दो दरवाजे हुआ करते थे, एक जिससे अभी हम अंदर आए हैं और दूसरा अभी जिससे हम बाहर जाएंगे। वो दरवाजा अभी भी मौजूद है और हम आपको बाहर का नजारा दिखाएंगे।
गांव के दूसरे दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो आपको ये मैदान नजर आएंगे जिसमें गांव के लोग क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस खेलते हैं। दोस्तों ये दरिया टूची है और दरिया टूची जो ये अफगानिस्तान से आता है, तो ये सर्दियों में, अभी तो पानी बहुत ही कम है पर सर्दियों में यहाँ पे पानी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और दरिया के उस साइड पे जो है ये सामने जो नज़र आ रहा है इसका नाम है मिरानका गांव, जहाँ से हम अभी आ रहे हैं। और ये पहाड़ जो आपको नज़र आ रहा है उसके उस साइड पर हमारा अपना गाँव है जिसका नाम है बांडा। आपका टाइम है और हमारा ये रवायती पेंडा है, ये हमारा अपना होजरा है। आए या सब आए, बिस्मिल्लाह करते हैं। और ये हमारा खास हमारे गांव, ये गांव में हमारा खास मेहमान है, इसका इमरान नाम है, इमरान खान। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरा दोस्त के साथ बैठा है। ये शुमाली वजीरिस्तान का सबसे बड़ा बाजार है जो मीरानशाह में वाकिया है। अभी हम मीरानशाह बाजार में दिन का खाना खाने लगे हैं और इसके बाद हम आपको पूरे बाजार की सैर करवाएंगे। मीरानशाह बाजार में बहुत सारे नए प्लाजे बने हुए हैं जो एक ही डिज़ाइन के हैं
और आप देख भी सकते हैं इनकी रोड्स, पार्किंग की भी जगह है इसमें। जब ज़्यादा बारिशें होती हैं तो अक्सर औकात दरिया टोची में सिलाबी रेला आ जाता है और कभी कभार लोग अपनी जानों से भी हाथ धो बैठते हैं। मीरांशाह के लोग कोंज का शिकार भी बड़े शौक से करते हैं, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हम जा रहे हैं मीरांशाह गांव से बांटा गांव की तरफ, जो हमारा अपना गांव है। तो मैंने सोचा रास्ते में अकील भाई को, मैंने कहा यार उधर भी चलते हैं, हमारा गांव भी दोस्तों को दिखा देते हैं, उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि उस पर भी थोड़ा सा टाइम लगाए और देख ले। हमारा भी गांव माशाल्लाह खूबसूरत है, वो अभी आपको हम दिखा देते हैं। तो हम शिकार के लिए जाते थे सारे, ये अकील भाई हम और सारे कजन वगैरह जाते थे। तो इंशाल्लाह वो 2010 वाला क्लिप भी हमारे पास, वो क्लिप भी पड़े हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, तो ये हमारा गांव है बांडा, तो यहाँ से थोड़ा यहाँ से भी आपको नज़ारा दिखाते हैं।
तो ये है हमारा अपना गांव बांडा। तो ये हमारी ज़मीनें हैं, शुक्र है सारी हमारी अपनी ज़मीनें हैं। तो ये अकील भाई आपको दिखा रहे हैं, ये मकई का फसल लगा, ये मकई का फसल हम लगाया है। तो अभी इंशाल्लाह बस थोड़े ही दिन है, ये चलने लग जाएंगे। अच्छा तो दोस्तों, अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।